અને હવે વાત કરીશું સૌથી મોટો સવાલ, કોંગ્રેસમાં શું ફૂંકાશે પ્રાણ? ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક અમદાવાદમાં રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ વિપક્ષી નેતા અર્જુન ખાટરિયાના ભાજપમાં જોડાવા અંગે મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. અમે એક વિચારધારા સાથે સૌને સાથે લઈ આગળ વધીએ છીએ તેવું કહ્યું. સાથે જ કહ્યું છે જે લોકો અમારી વિચારધારા સાથે આગળ વધવા માંગે છે તેઓ જોડાય છે. કેટલાક લોકોની વિચારધારા નથી મળતી તો છૂટા પણ થઈ શકે છે. लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का संगठन चुनाव के दृष्टि से पूरा तैयार रहे और साथ ही साथ अभी हमारी प्रक्रिया उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में वो भी आरंभ हो चुकी है. आज और कल की जो बैठकें होगी उसमें तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों के प्रमुख नेतागण को यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनसे चर्चा होगी, संगठन की स्थिति को लेकर जानकारी लेंगे और साथ ही साथ उनके कोई सुझाव, उनके क्षेत्रों में कौन लोकसभा का प्रत्याशी रहेगा उसके संदर्भ में भी हम जानकारी लेने वाले हैं. पिछले दो चुनावों में यहाँ पर हमारी लोकसभा की दृष्टि से स्थिति आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर गांव के स्तर का, हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर तो यहां शीर्ष के नेतृत्व तक सभी के सभी कांग्रेसजन अपनी पूरी ताकत और पूरा प्रयास यहां पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर बनाने में लगाएंगे. अब चुनाव आज से कुछ समय बाद होगा, अभी से अनुमान लगाना कि कितना कैसे कितनी सीटें आएंगी वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकने जा रही है. लोग तरह तरह के अनुमान समय समय पर करते रहे हैं, हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारा ज़रूर यह प्रयास रहता है कि संगठन में सभी हमारे साथियों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास लगातार करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई विचारधारा से मुंह मोड़ कर कहीं और चले जाता है तो बात अलग है, लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा पर पूरे मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास लगातार करते रहेंगे.